गुरुग्राम का रहने वाला यूट्यूबर बॉबी कटारिया एक बार फिर विवादों में है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच उसका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मानो हंगामा मच गया। यात्रियों को सुरक्षा में से बड़ी चूक बताकर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराज सिंधिया को लोगों ने ट्विटर पर टैग किया और उचित जांच और कार्रवाई करने की गुहार लगाई। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर बॉबी हवाई जहाज के अंदर लाइटर लेकर कैसे पहुंच गया। तो पहले इसे सीआईएसएफ की बड़ी गलती बताई गई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें एक पैसेंजर फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीते हुए दिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी में चूक हुई। ये वीडियो 6 महीना पुराना है और पैसेंजर दुबई से दिल्ली सफर कर रहा है। इस मामले में एयरलाइंस द्वारा केस भी रजिस्टर किया गया है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्पाइसजेट एयरलाइंस ने भी अपना पक्ष रखते हुए ट्वीट किया। एयरलाइंस की ओर से कहा गया कि एक वीडियो में पैसेंजर स्पाइसजेट फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीते हुए सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच जनवरी 2022 में अच्छी तरीके से की गई और शख्स के खिलाफ गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स भी बॉबी कटारिया की हरकतों को देखकर काफी गुस्से में है। वो पहले भी रसूख दिखाने के लिए ऐसी हरकतें कर चुका है। सोशल मीडिया अकाउंट में अक्सर ही वो खुद को सेलिब्रिटी के तौर पर पेश करता है। 20 सड़क पर उसने कुर्सी डाल रखी और शराब पी रहा है। इस मामले में उत्तराखंड के DGP ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। जिनका खुलेआम शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ, आपने संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब वो फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। ये पूर्व में भी अपराधी किस्म के हैं, पूर्व में भी जेल गए। मैं क्या इस पर कार्रवाई होने जा रही है? आप सबको बताना चाहूंगा कि थाना कैंट में देहरादून में इस पे अपराध संख्या 128/22 दर्ज किया जा चुका है FIR। और सेक्शंस हैं 290 IPC, 510 IPC, 336 IPC, 342 IPC और 67 IT Act। तो इसके अंतर्गत जो भी विधि अनुसार एज पर लॉ कानून के अनुसार इस आदमी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एक सवाल ये है कि देखिए, आपको पता है हमने उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा चलाया हुआ है और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी यहाँ के गंगा जी की, यहाँ के तीर्थ स्थलों की मर्यादा भंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहाँ भी जो गंदगी फैलाएंगे या कुछ और गलत काम करेंगे जो विधि के अनुसार नहीं है, जो कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारा ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है और ये सरेआम चैलेंज कर रहा है। तो